हुआ पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सो गाइस कैसे हो आप सब, क्या सब बिल्कुल ठीक होंगे। सो वेलकम टू योर न्यू व्लॉग। तो आज हो गया अयान बीमार। सो रात 4 बजे से वो वॉमिट कर रहा है, उसकी बैली में पेन है और लूज मोशन लगे हुए हैं अयान को। तो रात 4 बजे से ना अयान सोया ना मैं सोई हूँ, तो कंटिन्यूसली मतलब इसकी तबीयत बहुत ख़राब रही है। तो अब आके हम डॉक्टर को चेक करवाया है, तो डॉक्टर ने इसको हॉस्पिटल में कर लिया है एडमिट। जैसे कि आप शोर शराबे में सुन सकते हो कि एडमिट हो चुका है। ऑनवर्ड मतलब अभी तक बीमार था, इसने कुछ भी नहीं खाया, बस वॉमिट वॉमिट वॉमिट, बगैर खाली पेट ही वॉमिट। इसको काफ़ी कोशिश की गया थोड़ा बहुत कुछ खा लो, खाली पेट बंदा मेडिसिन भी नहीं दे सकता, बट इस बच्चे ने नहीं सुनी। मतलब ऑब्वियसली यार तबीयत खराब होती तो ऐसे ही होता है कि यार नहीं दिल करता कुछ भी खाने के लिए। तो बस क्या सीन है बयान, अब ड्रिप लगवा के लेटा हुआ है, तो इसकी अभी तो ये ड्रिप चालू हुई है। काऊ की आवाज कहाँ से आई? अयान ऐसा अब लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, लेकिन ये है इसमें डिफरेंट है बात, इसके अंदर जो वायरस जो उनको टीके लग के हैं वो फील ही नहीं होते कभी तो वो फील कैसे होंगे। तो अयान की ये ड्रिप आप देख सकते हो अभी इतनी हुई है, तो अभी ये रहती है, तो अभी लेट्स सी देखते हैं कि कितना अभी और टाइम लगता है। सो देखते हैं कि और कितना भी टाइम लगता है, क्योंकि अभी इधर घंटा भी कहीं नहीं गया, तो मेरे ख्याल से 4 बज जाएंगे इधर या 4:15 भी बज सकते हैं। तो अयान का भी मतलब ये ड्रिप है, ड्रिप जैसी ख़त्म होगी उसके बाद अगेन चेकअप है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा शोर है, नमाज करें सबके बच्चों को लगभग छुपा दे, तो मैं डोर क्लोज कर दिया, बहुत शोर आ रहा है। मेरा एक्चुअली सर पहले से दुख रहा है, तो इससे मतलब ज़्यादा मजीद सर दुख रहा है, ऐसे मुझे खुद को वॉमिट से फील हो रही है, ऐसे तभी अजीब सी हो रही है। तो कोई आया जी? कितनी देर तक खत्म हो जाएगी? जल्दी हो जाए। सो अयान की ट्रिप जल्दी अब ख़त्म हो जाएगी। अयान अयान कहना मानेगा मेरा क्या? नहीं, नहीं। ना कहना मानेगा फिर इंजेक्शन लगवा दूंगी। यार अयान को पता भी है कि अयान को ना चॉकलेट्स वगैरह ना सूट नहीं करती, तो अयान ने रात को ना चॉकलेट्स खा ली, जिसकी वजह से हम दोबारा आज एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। सो अयान को बहुत मज़ा आता है मुझे तकलीफ देने में। ऐसी है हैं अयान को मज़ा आता है कि मामा परेशान होती है अयान के लिए? yes. अच्छा, दुनिया का ये मेरे ख्याल से पहला बच्चा जो मज़ा लेता है मामा को परेशान करके, ऐसे ही यू नो एज ए सिंगल मदर इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी कि कैसे मैनेज करना है, घर को भी मैनेज करना है, स्टूडियो को भी मैनेज करना है और इसको भी मैनेज करना है। तो मैं यहाँ रात को खुद मेरी तबीयत भी खराब थी, तो मैं यहाँ पे ना पिक्चर लगा दूँगी साइड में, तो आप देखिएगा रात को मुझे ड्रिप लगी थी। तो लिटरली यार ऐसे बहुत टफ हो जाता है कि रात को मैं खुद ड्रिप लगवा के आई हूँ और रेस्ट करना था, रेस्ट के बजाय डबल मतलब क्या मैं कहूँ स्लीपलेस हो गई हूँ, सो टोटली स्लीपलेस हो गई हूँ। सो अयान की आइस कैसी हुई पड़ी हैं? अयान की आइस चढ़ी हुई हैं फुल। टोंग दिखाओ आप अपनी, क्या हो गया? अब टोंग बेहतर है, पहले वाइट थी, पूरी वाइट थी वॉमिट कर करके, अब बिल्कुल ठीक हो रही है। इंशाल्लाह अयान भी ठीक हो जाएगा। अभी आपको पता है आपका ये कैनोला अभी नहीं उतरना, आपको पता है इस बात का? क्योंकि अभी डॉक्टर ने ये कहना है कि हम रात तक देखते हैं या सुबह तक देखेंगे कि अयान की मतलब रात की भी तबीयत ठीक रहती रात को कि नहीं। अगर आपकी रात की तबीयत ठीक हुई रही, रात आराम से गुजर गई, तो सुबह ये साथ ही रिमूव हो जाएगा। सिंपल सुबह एक इंजेक्शन बस लगेगा आपको, वो इसी के अंदर लगेगा और उसके बाद ये कैनोला को रिमूव कर देंगे, ठीक है ना? तो बी ब्रेफ, ठीक है। इसी में लास्ट थर्सडे को इसका ना सर फट गया था, लास्ट थर्सडे भी हमारा यकीन को ऐसे गुजरा है, तो आज भी थर्सडे है और देख लो इसका तबीयत खराब है, पता नहीं क्या भारीपन आया हुआ हम लोगों पे। तो मतलब आजकल ऐसी सीन चल रहा है, कभी मैं बीमार, कभी ये बीमार, कभी मैं बीमार, कभी ये बीमार, तो यकीन को इतना भारीपन आया हुआ ना कि आपकी सोच है कितना भारीपन आया। इसका मुंह भी देखो गर्म ही लग रहा है, वही मैं कह रही हूं गर्म है मेरा, देखो मेरा चेक करो आपका ठंडा है ना, फिर इसको बुखार हो रहा है, मैं भी डॉक्टर उसको बुलाती हूँ छोटे से, हाँ उसको मैं बुलाती हूँ, उसकी तबीयत हो रहा है यहाँ को फीवर और डॉक्टर भी ऊपर आ रहा है उसको चेक करने के लिए, क्योंकि मैंने तो बॉडी फील की नहीं इसकी ना, मतलब पूरा ये देखो ना गर्म हुआ पड़ा है। आराम बदतमीजी से आपसे किया करो, समझ आ रही? मामा को ड्रायर रखा करो। तो यान की हाफ ट्रिप हो गई, हाफ रह गई है।
सोयान के देख लिया नाटकबाजी नहीं खत्म होती है यहाँ यहाँ क्यों नहीं सुनते हो मेरी हालत खराब हो रही है मेरे पेन स्टार्ट हो गए सर में भी दुख रहा है पेन तो आप यहाँ पे ना देख सकते कितना रश बहुत ही ज्यादा है बहुत ही ज्यादा सो पता क्या है सारा वही सीन है वही हाँ तो आपने देखा कितना ज्यादा रश है इतना ज्यादा रश है बच्चों का बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रश है तो ये हमें रूम छोटा सा दिया गया है तो जो कि आप देख सकते हो यार कितना ही गंदा रूम है पर जो भी है मतलब हमें मिल गया चक्कर ही आ रहे निकलने तो आए मेरे चक्कर आ गए चक्कर आ गए चक्कर आ गए चक्कर आ गए पता नहीं इसको ट्रिप लग रही है पता नहीं क्या मसला है पागल ही हो गया ये लड़का तो चीके फजूल में मारी जा रहा है क्या आ गया तुम इसको वहाँ कौन है चिपक जाओ उसको जाके हम पार्क हुए अयान को ड्रिप लगा के और 4:15 हो चुके हैं इस टाइम तो अब हम घर वापस जा रहे हैं अयान भी बहुत थक चुका है ना अयान क्योंकि अयान को बहुत नींद चढ़ी हुई थी बस वो बेड कुछ ऐसा था मतलब रेस्ट नहीं बंदा कर सकता था उस बेड पे हार्ट हार्ट का हार्ट हार्ट फील हो रहा था इसको तो इसलिए अब अयान सुबह सब हम जा रहे हैं घर को वापस और घर जाके फिर अयान आराम से सोएगा आई होप सो थोड़ी देर आंख लगा लेगा तो फ्रेश फील करेगा वरना ये फिर ऐसी ही फीलिंग इसकी रहेगी फिर ऐसा ना हो कि फिर इसकी तबीयत खराब हो अभी इसका ना ये बरनौला नहीं उतरा जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसका भी बरनौला नहीं उतरा क्योंकि ना डॉक्टर ने कहा कि अभी आपने ना शाम तक देखना है बरनौला कि इसकी तबीयत कैसी है अगर ओके है तो कल आप आ जाएं कल हम इसका बरनौले को रिमूव कर देंगे तो अगर इसकी तबीयत ना ठीक हुई तो अगेन फिर ट्रीटमेंट हुआ होगा इसका अल्लाह करे कि तबीयत सेट रहे अब घर जाके यान थोड़ा बहुत कुछ खाए पिएगा नरम गज़ा खानी है कुछ भी हार्ड चीज़ नहीं खानी जैसे लाइका रोटी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं दूध पत्ती और ब्रेड थोड़ा सा ले लेना ठीक है तो अब चलते हैं घर को मैं खुद बहुत थक चुकी हूँ बल्कि इनफैक्ट वहाँ बैठे बैठे मेरे खुद दर्द स्टार्ट हो चुकी थी तो मैंने वहाँ पे ना कंपाउंडर को कह के कहा कि मुझे ना इंजेक्शन लगा दो तो उसने मुझे भी इंजेक्शन लगा दिए थे सो अयान को भी इंजेक्शन लगे मुझे भी इंजेक्शन लग गए तो बस अब हम घर को चलते हैं बहुत ज्यादा थकावट हो रही है सो इसकी अभी ना नानो का फोन है इसकी नानो कहती है कि बाहर बारिश हो रही है और हम लोग बड़ा खुश हुए कि चलो यार शुक्र है गर्मी बहुत ज्यादा है तो बारिश हो रही होगी लेकिन जना अभी ये तो सारा उल्ट से ही निकला यहाँ तो इतनी धूप है कि आप खुद भी देख सकते हो कितनी धूप है यहाँ पे तो अच्छा पंजाब में कहते सैलाब आ गया वो कह रहा मैं तो बारिश हुई नहीं तो पता नहीं सैलाब कहाँ से आ गया ये तो अब हमें नहीं पता यहाँ नहीं बता सकता है यहाँ बताओ सैलाब कैसे आया तो ऐसा है इतना धूप तेज है बहुत ही धूप तेज है भैया मारे भैया बहुत तेज है वो हमारे कान का मजाक उड़ा के गए अच्छा उसकी वजह से उनके पास बारिश आ गई और पता नहीं कितने कितने लोग बचे भी हैं और कितने कितने लोग मरे भी हैं लाखों में लाश हैं लाखों में लोग के अब थोड़े बहुत ज्यादा लोग हैं बचे हुए तो अब आप कैसी फीलिंग कर रहे हो हैवी लेकिन इजी हूं मैं ये वाला क्योंकि ये वाला मतलब आज रात ना अयान ने सोने नहीं देना कल रात तो वॉमिट करके नहीं सोने दिया आज ना बरनौले की वजह से हम सो नहीं पाएंगे इसे हर तो दफा कहना मम्मा बरनौला लगा हुआ है मैं करवट कैसे लूँ मुझे करवट दिलवाओ मैं अब सीधा होके कैसे लेटू मुझे सीधा होके लटाओ अब मैंने ऐसे होना है मुझे अब ऐसे लटाओ मुझे मेरे बच्चे का बहुत आसानी से पता है बहुत कि भाई जनाब मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है अयान का कि अयान ने कहना ये हो गया तो मुझको करवट दिलवाओ ये है बरनौला हालांकि बरनौले को ना मैंने ना ऊपर टेप एक्स्ट्रा लगवा दी है ताकि ना वो हम बिजी रहे तो बस अब हम घर को जा रहे हैं वापस और ये रोड यार ये भी तोड़ दी है ये भी रोड तोड़ दिए लोगों ने मिलके हम अयान की नानो की तरफ क्योंकि अयान जिद कर रहा था नानो को लेके घर जाना है तो अब आए नानो की तरफ अयान को नानो को कहा है ये बात तो करने दिया करो यार मैंने अयान की नानो को फोन किया कि आप जल्दी से बाहर आ जाओ हम आपके घर के बाहर खड़े हैं तो बस अब हम वेट कर रहे हैं तो इसकी नानो कहती है कि मैं खड़ी खड़ी जाऊंगी मैं ठीक है ना अपनी चेयर पे बैठना ना बेड पे ना गाड़ी पे तो गाड़ी पे भी खड़े होके जाना है अयान यार गाड़ी में भी खड़े होके जाना मेरी बात सुनिए हाँ जी सुनाओ जी मैंने कहा बहुत बड़ी बात ही है वेल डन शाबाश शाबाश एक नंबर का शाबाश सो अयान पीछे जा रहे हैं क्योंकि इसकी नानो आ रही है आगे तो इसलिए अयान की शिफ्टिंग की जा रही पीछे की तरफ
सो अयान पीछे जा रहा है, तो देख के बैठते हैं ना बेटे। सो अयान अपनी फाइनली नानो को मिल रहा है, तो वो देखें मिलन हो रहा है, मिलन नानो और नवासे का। आप कप भी साथ ले आई हो, प्लेट भी साथ पैक करवा के ले आई खड़े खड़े। ये स्लिप ना कर जाए, चक्कर आ गया है। नरम चीज रोटी, कोई नरम चीज है, नरम चीज खानी है। सो आज का ब्लॉग में भी खत्म करते हैं। सो आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। यहीं पर आज का ब्लॉग मैं खत्म करती हूँ, क्योंकि मुझ पर बिल्कुल सलाहियत नहीं है कि मैं अब ब्लॉग और कंटिन्यू कर सकूं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।